एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी तबीयत आज सही नहीं लग रहा है, फीवर हो गया है, आज रोजे से भी नहीं है, बॉडी में पेन हो रहा है इतना ज्यादा ना, और फीवर लगता है ये हवा ही चल गया है, सीजनली जो चला हुआ है वही हो रहा है, और लास्ट में मेरा हो गया। तो जानते हैं ना, बच्चे पढ़ते हैं तो माँ जो है देख लेती है बच्चों को, लेकिन जब माँ ही पड़ जाए ना तो घर थोड़ा सा रुक सा जाता है। और वही हुआ, तबीयत सही नहीं था सुबह से, फिर भी जो है उसी में खाना पीना बनाए, और फ्रेंड्स बनाना तो है ही, आखिर कौन करेगा, तो किसी तरह बना लिए। उसके बाद जो है, और जब लेटे ना तो इतना तेज़, मतलब बुखार और पूरा बॉडी में दर्द, सर में दर्द। तो इसलिए फ्रेंड्स व्लॉगिंग जो है सुबह से शुरू नहीं की है, और उसके बाद जो है अभी शाम हो रहा है, मगरिब का टाइम है, व्लॉगिंग शुरू कर दिए हैं कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, और दवा भी मंगवाना है। रेस्ट किए तो थोड़ा हल्का लग रहा है, लेकिन दवा भी मंगवाना है, और खा लेंगे तो कुछ आराम मिल जाए। मन ही नहीं था ना तो इफ्तार कैसे बनाए, तो इसलिए छोड़ दिए कि रोजे से भी नहीं है और इफ्तार बना भी नहीं पाएंगे, तबीयत सही नहीं है। तो बस फ्रेंड्स अभी बैठ गए आप लोगों से बातें करने की, थोड़ा सा ब्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। जब तक ब्लॉगिंग नहीं करते ना, सुना सुना सा लगता है, खाली खाली लगता है कि कोई काम ही नहीं किए, जबकि काम तो पूरे घर का इतना रहता है कि पूछिए मत, लेकिन फिर भी लगता है कि कोई काम नहीं हुआ है जब तक ब्लॉगिंग नहीं कर। अभी शाम का टाइम है, चाय होगा, उसके बाद जो है खाना बनाएंगे। वैसे दिन में ही मटन बनाए थे तो अभी है, तो रोटी सोटी बन जाएगा, वही बना देंगे, तो थोड़ा सा राहत है, सब्जी नहीं बनाना पड़ेगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये देखें सीढ़ी लगा हुआ है, घर में काम हो रहा है, और ये देखें मेरा ये कबर्ड जो है तैयार ही हो गया है। ये सनमाइका लगा हुआ है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब घर का लुक ही चेंज हो गया है। ये देखें अभी पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ है, इधर ये इसमें अभी आधा अधूरा बचा हुआ है, सब लगा हुआ है अभी। ये अलमीरा जो है ये, तो इसमें अभी डोर वगैरह सब बाकी है, ऊपर सनमाइका लग गया है। तो बस यही सब काम चल रहा है, और क्या बताएं। और फ्रेंड्स किचन में देखें, ये इफ्तार आ गया है, और यहाँ भी है, इससे ज्यादा तो बनाते नहीं, खाते नहीं है बच्चे ज्यादा। तो फ्रेंड्स इस बार ना इफ्तार पार्टी भी नहीं कर पाए, और इफ्तार भी बनाकर बांट नहीं पाए, क्योंकि घर में काम लगा है, तो इतना उलझन लग रहा है कि पूछिए मत, लग रहा है समझ नहीं आ रहा है कि किधर क्या है, कहीं पे कोई जगह नहीं है, सिर्फ किचन में बनाए, लेकिन बनाए तो कैसे बनाए, उसे बांटना, मतलब घर में कुछ काम होता है तो फैल जाता है ना, तो इसलिए उलझन सा लगा, तो इसलिए जो है छोड़ दिए। लेकिन फ्रेंड्स बहुत अजीब सा लग रहा है कि इफ्तार बांटे नहीं, इफ्तार पार्टी नहीं हुआ, तो अच्छा फील नहीं हो रहा है। रमजान से पहले सोचे थे कि इफ्तार पार्टी करेंगे और शुरू में ही कर देंगे, क्योंकि लास्ट होते होते ना बहुत सारे लोग के यहाँ पार्टी हो जाता है, तो लोग बट जाते हैं इधर उधर, तो शुरू में ही कर देने से ना अच्छा रहता है, सारे लोग इकट्ठे पहुँचते हैं। तो सोचा हुआ चीज़ नहीं हुआ, इंशाल्लाह अगले साल सोचेंगे, करेंगे मौका मिला तो। तो फ्रेंड्स अभी इफ्तार करते हैं बैठ कर, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अकेले जो है इफ्तार लेकर बैठ गए हैं, बच्चे ना बड़ी अम्मी के घर अपने इफ्तार करने चले गए हैं, सब उनके घर में भी बच्चे हैं, तो साथ में बैठ कर के बच्चों को ना बहुत ज्यादा मजा आता है, तो वे लोग वहीं चले गए हैं और हम अकेले जो पड़ गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, रोजा से तो है नहीं, चलेगा इफ्तार करके थोड़ी सी चाय लेंगे। नींद आ रही है, तो फ्रेंड्स ये दवा लाया है बबुआ कबीर, और खा लिए हैं तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है।
बना रहे हैं इधर चाय, दूध पीना है। बॉर्नविटा पी लीजिए। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है शॉपिंग। कहाँ से देख रही है? मिंत्रा। मिंत्रा से यहाँ पे, मिंत्रा से आयशा का देखा जा रहा है। उसको ना पसंद ही नहीं आ रहा है कुछ चाहिए शर्ट। तुम क्या आयशा इरिटेट करती हो? तुम एक अपना सा बैठ के क्यों नहीं देख रही हो? फिर हम देख लें इसलिए आपको बोल रहे हैं। हमको गुस्सा मत दे। ऐसा ब्लैक चाहिए। वाह ये तो अच्छा लग रहा है। चेक कुलसुम परेशान हो गई है आयशा का देख देख कर। ये ले लो। यस यस ऐसा ही शर्ट चाहिए ना? ठीक तो है ब्लैक एंड वाइट। आशु और नीचे स्कर्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाहर हम लोग गार्डन में ना झूला पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल अंधेरा है, लाइट कटी हुई है और यहाँ पे बैठ करके शॉपिंग हो रहा है ऑनलाइन। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आ गए किचन में, रोटी बनाना था सिर्फ, तो रोटी बनाने चले आए। इससे पहले ना एक कमेंट आया था कि आप शॉपिंग करने ईदगाह कब जा रही हैं। तो फ्रेंड्स अभी समझ नहीं आ रहा है, घर में काम जो चल रहा है ना तो उसकी वजह से एक दो दिन में समझ ये हो ही जाएगा इंशाल्लाह। बहुत लास्ट हो गया है और उसी में फ्रेंड्स तबीयत भी सही नहीं है इसलिए जो है समझ नहीं आ रहा है। और देखिए कि रमज़ान में 32 बार भी मेरा अच्छे से नहीं हो पाया है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद जो है अच्छे से फॉलो करेंगे 32 बार और उसके बाद जो है वेट लॉस जर्नी मेरा शुरू हो जाएगा। उठे लीजिए पानी लीजिए, खाना खाएं तो पानी पी कर सोइए ना। हमारे बच्चे क्या करते हैं ना कि खाना खाने के डर से जो है कि खाना खाना नहीं पड़े इसके पहले ही सोने का नाटक करने लगते हैं। नींद आ रही है जा रहे सोने तो जैसे ही देखें कि कबीर का आँख बंद हो रहा है दौड़े दौड़े चले आए चिल्लाते हुए, कबीर उठो जल्दी उठो खाना हो गया है। जल्दी जल्दी से ला करके उसको खिलाए हैं और ये देखें ये सबसे माहिर है खाना नहीं खाने में। इसे ना खाना तीनों टाइम ना दिया जाए तो सबसे अच्छा है, एकदम खुश रहेगी। उसके अलावा जितना भी आल जाल हो सब मिल जाए। तो कबीर यहाँ पे सो गया है। मच्छरदानी लगाना होगा ना। तो फ्रेंड्स चले बाहर बंद करने ग्रिल क्योंकि हो गया है रात। तो फ्रेंड्स ये मटन दिन में बना था तो वो अभी चलेगा, वो गरम करके हस्बैंड को खाना देंगे और बच्चे खा लिए। तो फ्रेंड्स अभी ईद का सिर्फ 8 दिन बाकी है और अभी कुछ वैसा तैयारी नहीं कर पाए हैं तो सबसे पहले सोच रहे हैं कि मेहंदी लगा करके फुर्सत पाले। मेहंदी हो गया सर में लगाने के लिए, ये है भिगो करके रखेंगे अभी। तो इस मेहंदी हम कैसे लगाते हैं ये पहले वाले वीडियो में हमने शेयर किया है, इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फिर फ्रेंड्स जो है बाकी का सब काम तो बाकी है और शॉपिंग करना है, हाथ पैर में जो मेहंदी होता है वो तो लगाना ही है। अभी पहले सर में मेहंदी लगा ले तो इससे फुर्सत पा लेंगे। तो देखिए कैसे कैसे होता है, घबराहट हो रही है, कुछ काम वैसा हुआ नहीं है, ईद के नाम पे कोई तैयारी नहीं हुआ है, सारे लोग शॉपिंग कर लिए हैं। आप लोग में से कौन नहीं किया है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स बातों बातों में यहाँ पे मेहंदी मेरा तैयार हो गया है। देखिए अब इसे ढक कर रख देते हैं, सुबह में लगाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो को करते हैं यहीं पेंड और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।